सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुभव और आप देख रहे हैं AM Vlogs। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम जा रहे हैं डेलोजी की तरफ और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। तो हम सब रेडी हो चुके हैं, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम बस अब निकलने वाले हैं नानी के घर से। अब हम डेलोजी जाएंगे और मज़े करेंगे। और आज का जो व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम थोड़ा पहाड़ों में घूमेंगे तो आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो आप भी मेरे साथ इंजॉय करना और जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और पहले वाली वीडियो थोड़ी लंबी बन गई थी, जब मैं एडिट कर रहा था तब मैंने देखा कि 10 मिनट से ऊपर बनी है वीडियो। तो ये वाली वीडियो मैं थोड़ी सिंपल और छोटी रखूँगा जिससे कि आपको भी देखने में मज़ा आए। तो अब मिलते हैं, अब हम सीधा रास्ते में। सो गाइज, हम निकल चुके थे वहाँ से बीबी के घर से। तो लुधियाना से हम आ चुके हैं आगे 70 से 80 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम। जलंधर वाली रोड पे दो कट जाते हैं, एक जाता है सीधा अमृतसर की तरफ और एक जाता है पठानकोट और जम्मू की तरफ। तो आपने 70 से 80 किलोमीटर के बाद आप अपने मैप में डाल लेना, आपको वो रास्ता दिख जाएगा। तो आपने वहाँ से नीचे वाला रूट ले लेना है, वहाँ नीचे से आपने राइट ले लेना है, आप पठानकोट और जम्मू वाली रोड पे आप निकल जाओगे और आपने अमृतसर नहीं जाना है। तो ये था, और अब हम ये हैं मेन हाईवे पे और ये पापा बैठे हैं, ये मम्मी बैठी है, मस्त मज़े कर रही है, फ़ोन वोन चला रही है मम्मी, और मम्मी बहुत खुश है। और मम्मी क्या क्या खा लिया अभी तक? अभी खाया। क्या खाया? लोगों ने मूंगफली, पानी पिया। मम्मी ने मूंगफली खाई है और उसके ऊपर पानी भी पी लिया है, तो आप समझ सकते हो क्या आ रहा है। अच्छा, ब्रेड एंड, अच्छा ब्रेकफास्ट में ब्रेड अंडा हुआ है। तो ऐसे ऐसे हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, मजे कर। तो अभी यहाँ पे शुरू हो गए हैं जामुन, ये देखो मम्मी दिखाओ जामुन। तो मम्मी आप जामुन खाना शुरू कर दिए, मम्मी आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ निकाले खाती रहेगी। और क्या लाए मम्मी? सैंडविच लाई है मम्मी, और मैं हाँ, और कोल्ड कॉफ़ी भी लाई है मम्मी, मेरा कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है पीना। और आज का वेदर अच्छा है, धूप है मगर ज़्यादा गर्मी नहीं है, और हमारा एसी भी अच्छा चल रहा है, ठंडा कर रहा है। क्योंकि वैसे ज़्यादा गर्मी होती है तो एसी भी इतना इफेक्टिव नहीं रहता, क्योंकि फिर वो भी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं करता, मगर मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है मगर कल के मुकाबले थोड़ी सी गर्मी है, क्योंकि कल अच्छा मौसम था, क्योंकि कल बरसात हुई थी तो अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और हमारा एसी तो एकदम मस्त चिल कर रहा था। सो गाइज, हम अब मैंने अभी गाड़ी साइड में लगाई है, तो हम डेलोजी वाली रोड पे आ गए हैं और अब हम पहाड़ों के बीच में हैं। तो नूरपुर से हमने, मतलब नूरपुर से पहले 22 किलोमीटर पहले एक टोल नाका आता है, तो वहाँ पे आपको एक टोल देना होता है, वहाँ पे आपकी एक पर्ची कटेगी 40 रुपये की। फिर नूरपुर से आपने लेफ्ट लेना है और फिर सीधा सीधा रास्ता है। थोड़े बहुत पैचेज हैं रोड पे मगर रोड सही है, और थोड़ी नैरो रोड है इसलिए वजह से मैं अच्छे से व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। अभी थोड़े से ले लो खाने के लिए, ये आपके पेड़ है यहाँ पे? अरे तो सरकारी पेड़ है ना। अच्छा। नहीं, ये तो ये वाले हैं। ये कितने किलो? 2.5 किलो है। हैं? 2.5 किलो। A few moments later. तो गाइस, ये अब शुरू हो चुका है आम खाना। ये देखो मम्मी की मजे लगे हैं। आ गए मजा? ये लो आम। ये है देसी आम। और मम्मी आपने क्या तोड़ा है वो दिखाओ। कड़ी पत्ता तोड़ा वो लगा हुआ है वहाँ पे, मम्मी ने तोड़ लिया है। ये देखो लकी पड़ी मम्मी आम खाने। देसी आम बोलना यहाँ के फेमस देसी आम। हाँ, बहुत टेस्टी, ओरिजिनल टेस्ट। तो यहाँ पापड़ लेंगे दुनेरा। तो अभी हम रुके हैं दुनेरा, यहाँ पे मिलते हैं आम पापड़। तो आप भी आ सकते हो, ये एक दुकान है डोगरा करके है शायद, दुनेरा में है, तो आप आ सकते हो। ये ऐसे यहाँ पे आ चुके हैं डेलोजी और हम अपने रिजॉर्ट में आ चुके हैं, और उस साइड रिजॉर्ट है और ये पार्किंग है, और ये मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। और आपको मैं पीछे व्यू दिखाता हूँ, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, और बिल्कुल बादल ही बादल, एकदम कोहरा
हो रखा है। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, ये पार्किंग से है। मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा और आपको व्यू दिखाता हूँ। आप अगर आपको ये व्यू अच्छा लगता है ना तो आप एक लाइक ज़रूर करके जाना। ये देखो गाइस, गाइस ये था व्यू, अभी पार्किंग से ये व्यू है। तो अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ यहाँ का कैसा रूम है। और इस रिज़ॉर्ट का नाम है स्नो वैली रिज़ॉर्ट, अच्छा रिज़ॉर्ट है, हमें अच्छा लगा तो हमने ये बुक करा है। बाकी रूम आपको मैं दिखाता हूँ और बाकी सारी चीज़ें, बाकी जितनी भी डिटेल है मैं आपको बता। ऐसी कुछ लॉबी है और हमने लिया था महाराजा कॉर्नर रूम। तो ये है हमारा रूम नंबर और अब हम जा रहे हैं अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ ये रूम कैसा है। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग है, ये कबर्ड है, यहाँ पे फ्रिज लगा हुआ है और यहाँ पे आपको कैटल मिल जाएगी कॉफ़ी के लिए, टीवी लगा हुआ है, बेड है और ये पापा बैठे हैं, पापा हेल्प कर दो। तो जो इस रूम का बेस्ट पार्ट है वो है व्यू। यहाँ से मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ और ये रूम बहुत अच्छा है और इसको, इस रूम को कहते हैं महाराजा कॉर्नर रूम। तो आप अगर ये रूम बुक करते हो या आप अगर नेट पे सर्च करते हो तो आपने महाराजा कॉर्नर रूम लेना है। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये है रूम से व्यू और मैं आपको दिखाता हूँ इस रूम का टॉयलेट। टॉयलेट बहुत बड़ा है और साफ़ सुथरा एकदम, ये देखो टॉयलेट ये है, अच्छा बड़ा टॉयलेट है। और यहाँ पे ये कवर्ड भी बनी हुई है और यहाँ पे एक सेफ़ भी है, आप अपने पैसे वैसे अगर कुछ भी सेफ में रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। और ये रही कवर्ड और एक ब्लैंकेट भी है यहाँ पे। A few moments later. तो गाइस अभी हम आए हैं होटल की टेरिस पे और टेरिस कुछ ऐसी है, ऐसा कुछ है यहाँ पे, आप बैठ सकते हो, झूले ले सकते हो और यहाँ से व्यू इन्जॉय कर सकते हो। और मम्मी अब अपना फ़ोन निकाल के अब लगी है कैम फ़ोटो खींचने। और अब हम जाएंगे गांधी चौक, आपको थोड़ा सा गांधी चौक भी दिखा देता हूँ। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है और होटल तो आपने देख ही लिया है। ये डलहौजी की मार्केट में कौन सा है गड़ा है मार्केट, गांधी चौक, ये है गांधी चौक। और अभी हम जा रहे हैं ये तिब्बतन मार्केट में, थोड़ा फॉग हो रहा है इस वजह से मैंने मास्क नीचे कर लिया। कहाँ जाना है, तिब्बतन मार्केट में? तो अब हम जाते हैं तिब्बतन मार्केट, दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये वाला 300 का लिख के, और 500 वाला कौन सा, सिर्फ पेंटिंग वाले? पेंटिंग वाले जो ये लगे हैं उधर लगे हुए हैं, देखो तीन चार उधर लगे हैं, एक पीछे लगा हुआ है। अच्छा। पेंटिंग की हुई ना जिसमें डिटेल वाला। अच्छा अच्छा क्या चीज़, नमस्ते चली, टाइम हो गया है 7:05, धुंध मस्त हो रही है। नहीं ये लो भैया पैसे भी काट ले, पहाड़ों का तो कोई पता नहीं है, कब्र साथ हो जाएगा। क्यों जी, मैं क्या पहाड़ों में तो कब्र साथ हो जाए पता नहीं लगता। दुकान पे आए और हम देख रहे हैं टोपी, आप देख सकते हो मैंने भी टोपी पहनी है और मम्मी भी पहन रही है। और इस टाइम हो रही है बाहर बारिश बहुत तेज़, और ये हमने बना लिया है, ये मैं आपको बाद में रूम पे दिखाता हूँ।
और टोपी पसंद कर रहे हैं, आप बताने कैसी लग रही टोपी। अनुभव तेरी देखने कितनी लेनी है, मेरे को तो मेरी कितनी लेनी है, ले लो 5-8-10 ले लो। नहीं इतनी नहीं है। सो गाइज अब हम आ चुके हैं रूम पे, तो बाहर बहुत तेज़ बारिश हो गई थी तो फिर मैं आगे शूट नहीं कर पाया। अब हम आ गए रूम पे, तो जब हमने ये रूम बुक किया था तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट और डिनर मिला था। तो हमारा बुफे सिस्टम लगा रेस्टोरेंट में, जो होटल का रेस्टोरेंट है वहाँ पे बुफे सिस्टम है, तो वहाँ पे जाएंगे और डिनर करेंगे। और ये वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा पहले आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और स्टे सेफ स्टे हेल्दी, टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय।